जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के जवानों को इस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब सेना के जवानों ने एक के बाद एक चार आतंकियों को ढेर कर उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि शोपिया के जैनापोरा इलाके के बडीगाम में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान को शुरू किया था। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू की तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। हम लोग को खबर मिला था कि शोपियान के बडीगाम विलेज में 4 से 5 टेररिस्ट छिपे हुए, तो आज ऑपरेशन लॉन्च हो गया आर्मी के साथ, तो सर्च दौरान फायरिंग शुरू हो गया जिसमें अभी तक लश्कर तोबा का लोकल 4 टेररिस्ट मारे गए हैं। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं, वहीं 2 की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। ये 6 का ग्रुप था जो आउटसाइडर लेबरर पर अटैक करता था। सबसे पहले ये मुरन पुलवा में बैंक लूटा था और बैंक का 12 बोर्ड का गन लेकर भाग गया था। उसके बाद ये लोग एक्टिव हो गया था। आज वो राइफल जो 12 बोर्ड का है रिकवर हो गया है। इसके बाद पिस्टल, AK-47 बहुत सारे सामान गिरफ्त मिला है। आईजी कश्मीर ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले एक बैंक को लूटा था जिसके बाद से ये आतंकी सक्रिय हुए थे। फिलहाल इस ग्रुप के खत्म होने को एक बड़ी कामयाबी की तरह माना जा रहा है। पुलिस फोर्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये जो टेररिस्ट था बहुत तंग रखा था, और सर लेबरर हो गया, सिविलियन हो गया, PRF, चूंकि ये लोग रिसेंटली ज्वाइन किए थे, लोकल था, तो इस टाइप का जो बड़े टेररिस्ट है इससे ये गलत काम टेरर क्राइम कराता है। जैसे हम सब देखते हैं जितना भी टेरर क्राइम होता है जो नए लड़के ज्वाइन करते हैं टेररिज्म में उसे करवाता है लोग। आतंक को बढ़ावा देने वाले नौजवानों की राह भटकाकर इनका इस्तेमाल अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए करते हैं, जिसमें इन 6 आतंकियों का नाम भी शामिल था। वहीं मुठभेड़ स्थल पर जाते वक्त जवानों से भरी सूमो पलट जाने के बाद एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जवान बुरी तरह जख्मी हुए। जानकारी के मुताबिक 44 राष्ट्रीय राइफल्स का एक सैन्य दल सूमो में सवार होकर बडीगाम जैनापोरा में मुठभेड़ स्थल की ओर जा रहा था तब ये हादसा हुआ, जिसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल के लिए ले जाया गया जहां सभी का इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।